आदि शक्ति अलख निरंजन आदेश आदेश आदेश। स्वर विज्ञान के माध्यम से साधक का किस प्रकार का दिनचर्या उनका होना चाहिए, उनको सफलता मिले ही कोई भी साधना। स्वर विज्ञान के माध्यम से किस प्रकार से उन्हें सफलता मिले और उनका दिनचर्या किस प्रकार से होना, मार्गदर्शन करें साधकों का। कहां से हम लोग इस समय यह कार्यक्रम लोगों के सामने दिखा रहे हैं, ये लोग की नाचौरसिया शिष्य डॉक्टर नारद श्री माल बगीचा के नाम से यह स्थान प्रचलित है। उसी स्थान पर शिव ध्यान योगा आश्रम उपस्थित है और नायक दास जी हमारे पास आए हुए हैं, क्योंकि ये घूम घूम करके एक गुरु के प्रचार प्रसार हेतु तमाम लोगों से मिल करके तमाम वीडियो बनाते रहते हैं ताकि सबके विचार सामने लोगों के सामने लगे हुए हैं। इन्होंने क्वेश्चन किया जो हमारे कि मनुष्य अपने जीवन के, क्योंकि एक साधक के लिए उसके जीने का तरीका भी मालूम होना चाहिए कि कैसे हमको दिनचर्या स्थापित करनी चाहिए, कैसे दिनचर्या को जीना चाहिए, क्योंकि बिना दिनचर्या के आदमी का, मनुष्य का जीवन जो संयमित नहीं हो सकता। तो इसको संयमित करने के लिए सबसे पहले हमको यह ध्यान करना चाहिए कि हमको किस समय सुबह जागना चाहिए और अपने जीवनचर्या को मतलब आगे जानने के लिए, सभी लोग जानते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उगने से पहले जागना चाहिए, अपने नित्य क्रिया में उसके बाद लग जाना चाहिए। और क्योंकि हम लोग इस समय शोध कर रहे हैं स्वर विज्ञान पर, और उसी क्रम में हम बताना चाहते हैं कि स्वर विज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवनचर्या को कैसे स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि स्वर विज्ञान जो है प्रकृति से जुड़ने की एक क्रिया है। जैसे जैसे हम प्रकृति से जुड़ते हैं उस परमात्मा के करीब पहुंचते हैं, गुरु के करीब पहुंचते हैं। यह अज्ञानता के कारण कुछ कालक्रम में लोगों ने इस ज्ञान को छिपा दिया था, इस अज्ञानता के कारण आज हम लोग सभी लोग दुख उठा रहे हैं। हम उल्टा सीधा जो है दिनचर्या जीवन जी रहे हैं और हमको पता ही नहीं है कि हमें कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब हमें शौच करना चाहिए, कब मूत्र का त्याग करना चाहिए। ये सब तो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार जो हमें वो ज्ञान बताता है वो स्वर विज्ञान बताता है कि हमें ये सब सारी चीज़ें कैसे करना चाहिए। तो स्वर विज्ञान का मतलब जो है आप पहले चेक करें कि हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है, हम उसी में जीवन की स्टार्टिंग शुरुआत करें। जिस समय आप सुबह जागते हैं सूर्य का उदय होता है, उसी के साथ अपना जो पैर जो आगे बढ़ाते हैं नीचे रखते हैं, तो स्वर अपना चेक करें दाया चल रहा है कि बायां नाड़ी चल रही है, इस नासिका छिद्रों से पता चल जाता है, और उसी अनुसार जो है अपने पैर को आगे बढ़ाएं और अपने कार्यों में लग जाएं। इसी क्रम में मैं आगे ये सब वीडियो में बता चुका हूं और अगला क्रम में ये बताना चाहता हूं। पहले ये है कि आप जब भी आपको शौच जाना हो, क्रिया में पहले ये होता है कि सुबह आप जागते हैं, तो मैंने ये बताया कि पैर आपको कौन से निकालना, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। उसके बाद शौच जाना है आपको, तो शौच किस नाड़ी आपकी, जो कौन सी नाड़ी चले, कि हम ध्यान रखें कि जब भी सूर्य नाड़ी चल रही हो तो हम शौच जाएं, सूर्य नाड़ी में ही मल का त्याग करें। इससे आपके जीवन में बहुत से रोगों से आप बच जाए, तमाम रोग हैं उधर से संबंधित, बात से संबंधित, बात कफ पित्त ये सभी से संबंधित जो रोग हैं आपके, जितने भी आजकल लोगों को कब्जियत की बीमारी है, ज़्यादातर से लोगों का शौच ही साफ नहीं होता है, तमाम बीमारियां इस तरह का प्रॉब्लम है, सब लीवर से संबंधित है। इसलिए आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस रोग शोक से बचने के लिए अगर इस दिनचर्या को स्वर विज्ञान के माध्यम से आपने अपना दिया तो बहुत से रोग आपके ठीक हो जाएंगे और रोग होगा ही नहीं। तो मैं ये बता रहा था कि जब भी शौच करने जाए तो शौच में ये चेक कर लें कि हमारा
बाएं चल रही कि दाहिनी चल रही है, तो बाएं में हमको नहीं जा करके हमें सूर नाड़ी चले, दाहिना चले, तब हम अपने शौच को करें और शौच में जाएं। और के अनुसार जो क्रिया है, आप जब प्रकृति के अनुसार शौच में जाएंगे तो निश्चित है कि आपके जो रोग शोक हैं, तमाम बात कफ पित्त जो आपका बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाएगा। दूसरी, मूत्र करना हो, जब भी मूत्र त्याग करना हो उस समय आपको यह चंद्र नाड़ी का मिल जाए, चंद्र नाड़ी का ही जो है ध्यान करके अपने उस मूत्र त्याग करें कि चंद्र नाड़ी चल रही हो तभी करें। सूर्य नाड़ी में मूत्र का त्याग न करें, इसका ध्यान दें। और चंद्र नाड़ी में मूत्र का त्याग करते हैं तो आपको पथरी, मूत्र से संबंधित जितने भी रोग हैं, जितने भी रोग हैं, किडनी से संबंधित जितने रोग हैं, ये होगा ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान भोलेनाथ शिव पार्वती को बता रहे हैं स्वर विज्ञान के माध्यम से। तो ज्ञान है, यही सनातन है, यही हमारा सब कुछ है। इस ज्ञान को लुप्त होने की वजह से, यह ज्ञान जब से मिट गया तब से हमारे लोग दुखित हुए, तमाम रोग से ग्रसित हो गए। पहले बहुत लोग ज्ञान रखते थे और उसी के अनुसार अपने जीवन को जीते थे, हमेशा निरोग रहते थे। आज बिना दवा की तो जिंदगी नहीं चल रही। एक बच्चा पैदा हो रहा है उसको भी दवा की आवश्यकता है, और जो बुढ़ौती तक उसको सिर्फ दवा ही दवा खा रहा है, उससे और रोग पैदा हो। ये मैंने बताया दो चीज़ कि जब भी शौच करने जाएं तो सूर्य नाड़ी जब आपकी चले, दाहिनी नाड़ी जब चले तभी शौच करने जाएं, और जब बाएं नाड़ी चले तो बाएं नाड़ी में आप मूत्र करें, सुषुम्ना में आप त्याग करें। सुषुम्ना में आपको जब भी चले, जो बीच की नाड़ी जब दोनों चलती है नासिका छिद्रों से, उस समय आपको ध्यान ज्ञान उस समय जितना हो सके आप उस कार्य को करें तो उसमें सफलता मिलती है। चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको मतलब जो शौच जाना है तो आप ये इंतजार न करें, तब उसके लिए आप चेंज भी कर सकते हैं, दाएं बाएं सो जाइए। आप दाहिने सोते हैं तो अपने आप जो है चंद्र नाड़ी चलेगी, बाएं सो जाते हैं तो अपने आप सूर्य नाड़ी चलेगी, थोड़ा सा सेकंडों नहीं लगता है फिर बदल जाती है नाड़ी और अब जाके शौच करिए। इस चीज़ का ध्यान दे दिए तो मैं कहता हूँ कि निश्चित है, निश्चित निश्चित है कि आप तमाम रोगों से बच जाएंगे। ये जो गैस्ट्रिक बात, घुटनों का दर्द, तमाम बीमारियाँ जो हो रही हैं सब पेट लीवर के कारण हो रही है, और वह रोग तो आपका जो है समाप्त होगा, वह रोग भी नहीं होगा अगर आप करते रहें। स्वस्थ मनुष्य भी इसको करे, ऐसा नहीं कि जो बीमार है वही लोग करें, तो निश्चित सफलता उसको मिलेगी। तीसरी चीज मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ कि तीसरी चीज क्या है, जब भी भोजन करें, भोजन किस नाड़ी में हमें करना चाहिए, हमें ज्ञान नहीं है, इसका पता नहीं है, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार हमें किस समय भोजन करना चाहिए, वह भोजन जब भी आपकी सूर्य नाड़ी चले तब भी भोजन करें। तो आपका भोजन 100% जो आप खाएंगे वह सही पाचन क्रिया होगी, तो इससे आपके तमाम रोग जो, क्योंकि भोजन पचता ही नहीं बहुत से लोग, इसके कारण गैस्ट्रिक का रोग हो रहा है, तमाम रोग हो रहे हैं जो लीवर से संबंधित है, और लीवर के तमाम लोग दवाई खा रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, दवाई खाने से और रोग उत्पन्न हो रहा है। तो इस ज्ञान के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जब सूर्य नाड़ी चले, मतलब दाहिनी नाड़ी चले, उसी समय भोजन को करें तो निश्चित है कि आपका भोजन पूरा पचेगा और पूर्ण रूप से आप स्वस्थ। क्या है कि सूर्य नाड़ी जो है गर्म नाड़ी है, जिससे आपके पाचन क्रिया के लिए आवश्यकता है, कोई भी भोजन बनता है तो पका के खाते हैं तभी उसका पाचन होता है। उसी प्रकार से जब ये अंदर जाता है तो वह पाचन की क्रिया जो होती है वह गर्म, जब आपकी जठराग्नि होती है मजबूत तब जाकर के ये भोजन पचता है। तो जठराग्नि आपकी कंट्रोल हो, जठराग्नि सही तरीके से चले, तो आप जब भी हमेशा सूर्य नाड़ी में अपना भोजन करें। नाड़ी जिससे जो आपकी है जो बाएं नाड़ी है, इसके अनुसार आपको जल पीना है। ऐसा नहीं कि सूर्य नाड़ी चल रही है हम उसमें जल पीते हैं, इससे क्या होता है कि आपका जो है जो जठराग्नि है वो कमजोर हो जाती है,
भोजन पचेगा ही नहीं। खाना बन रहा है, आप पानी डाल दीजिए चूल्हे में, बुझ जाएगा, पचे वो खाना होगा ही नहीं, कच्चा रह जाएगा। उसी प्रकार से जब हम भोजन करते हैं, जब इस चीज का ध्यान नहीं देते, शुद्ध नाड़ी में भोजन नहीं करते और चंद नाड़ी में करते हैं, तो भोजन नहीं पचता है, तो अपच पैदा होती है और भोजन न पचने के कारण तमाम गैस्ट्रिक बच्ची की रोग होती है और लड्डी भी साफ नहीं होता। तो इस चीज का अगर आपने ध्यान दे दिया तो 100% आप जो है तमाम रोगों से बच जाएंगे। इस चीज का ध्यान हमेशा दें और यही दिनचर्या को अपना लें अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में जीवन की जो शुरुआत करें नाड़ी के हिसाब करें, अपनी जिंदगी की शुरुआत हमेशा नाड़ी के हिसाब से करें। जितने भी कार्य हैं अगर नाड़ी के हिसाब से आप अपनी जिंदगी को करते हैं तो आपके जीवन में कहीं कोई असफलता नहीं प्राप्त होगी, आप एक द्रुत गति से आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और कोई अभाव नहीं रहेगा, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे ज्ञान संबंधी हो, चाहे भौतिक आध्यात्मिक जो भी हो, वह आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। और हमेशा जैसे जैसे हम प्रकृति से जुड़ते चले जाते हैं तमाम रोग शोक से दुखों से हम इससे छुटकारा पाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमको बनाया है, प्रकृति ने ही हमें आज जिंदा रखे हुए, प्रकृति से ही ये जो सांसें चल रही हैं ये साधारण नहीं है, ये दो नाकों की छिद्रों से जो सांस आ रही जा रही है इसका बड़ा रहस्य है। अगर जिस दिन मनुष्य इसको समझ लेगा दुनिया में किसी चीज की उसके पास अभाव नहीं रहेगा, कभी नहीं, वो जो चाहेगा वो बना सकता है। इसी के माध्यम से जितने विज्ञान है, जितने ज्ञान है, जितने वेद पुराण है, सब इसी के माध्यम से जो है संसार। शिव ने पार्वती को बताया कि यह जो है सुषुम्ना, ये सुषुम्ना ही वह मार्ग है जिससे हम उस परमात्मा उस आत्मा तक पहुंच सकते हैं। ये आत्मा का संबंध, जो सांस आ रही जा रही है तो ये आत्माओं का संबंध है, ये हमें आत्मज्ञान कराती है। इसी सांसों का ध्यान करके भगवान बुद्ध ने सब कुछ पा लिया, इसी सांसों का ध्यान करके योगी जो है अपने सब कुछ अपने अंदर सारी शक्तियों को सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इसी क्योंकि शरीर के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं सब शरीर के अंदर आपके आंतरिक शक्तियों के अंदर सब कुछ समाहित है। अगर इस नाड़ी के अनुसार अगर इसको जागृत कर लेते हैं, क्योंकि नाड़ी का शोधन कैसे होता है ये पहले ज्ञान होना चाहिए। नाड़ी का शोधन जो है आपको एक छिद्र को दबा करके दूसरे से तेजी से सांस लें, फिर बाहें को दबा करके दाहिने से सांस लें, इस तरीके से अगर आप सांस को जल्दी जल्दी करके और उसके बाद फिर अपनी साधना बैठते हैं तो देखिए आपका मंत्र, आपकी जितनी भी चीजें पूजा पाठ एकदम मन लगेगा और धीरे आप आगे, क्योंकि इससे मन को शांति मिलेगी, एकाग्रता भी बढ़ेगी और आपके अंदर ऊर्जा का पावर भी आगे बढ़ेगा, जिससे साधना में सबसे बड़ी सफलता का पूर्ण राज तो यही है। इसी को अपना करके बड़ी बड़ी सिद्धि होगी। हमारे जो गुरु के स्तर पर लोगों गुरुओं ने इसी चीज को अपना करके उस स्तर को प्राप्त किया, इस सबको करना चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, इसमें कोई उम्र का जो है भेदभाव नहीं है, वह किसी भी वह समाज का हो, जात का हो, चाहे वह किसी बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, ये सब लोग इसको करता, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि ये विज्ञान है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी पंथ का इंसान हो, अगर इसको अपनाता है इस यौगिक क्रिया को, निश्चित है कि उसके जीवन में सब जानकारी सभी साधकों को प्राप्त हुआ। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट और शेयर आप लोग जरूर करें, और इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय निखिलेश्वर, जय महाकाल, जय महाकाल, जय निखिलेश्वर।